फुल टॉस गेंद थी, जबरदस्त प्रहार, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी तैनात है वहां पर। बहुत ही अच्छा हो रहा है भाई, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां लेफ्ट साइड के खिलाड़ी के द्वारा, जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। रवि की गेंद, खूबसूरत बॉल दिया है उसको अंकुर ने, सीमा रेखा से बाहर होगी 4 रनों के लिए। एक ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन। बिना किसी नुकसान के सामने है दीपक, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ हासिल किया गया रन। चहलकदमी कर दी है अंकुर ने, लेकिन गेंद सर के ऊपर से निकल गई। बहुत ही अच्छा स्वीप शॉट खेला था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर अंकुर ने, बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। अंकुर जो सलामी देते हैं, रन चुरा लेते हैं, तो 1 रन का इजाफा हुआ है, स्कोर बढ़कर हो गया है 16 रन बिना किसी नुकसान के। राशिद की गेंद फेंट कर ली जाएगी, इस बीच हवा में है और डायरेक्ट सीमा रेखा से बाहर हो जाएगी, तो पहला विकेट गिरा है दीपक के रूप में। दीपक 6 लगाकर आउट हुए, 2 ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, जो दीपक के रूप में गिरा है 5 रन बनाकर वापस पवेलियन में। अब सामने है अंकुर, बल्लेबाज अपना नाम बताया भाई, ये लीजिए क्या खूबसूरत मोड़ा है भाई, सचिन, सचिन तेंदुलकर, बहुत ही अच्छा। अंकुर चहलकदमी करते हुए ड्राइव किया उसको, लेकिन गेंद फीड कर ली जाएगी खिलाड़ी के द्वारा, कोई रन नहीं, काफी कॉन्फिडेंस है अंकुर को अपने शॉट पर, बेशक होना चाहिए। मिसफील्ड हुई, लेकिन कोई रन नहीं होगा, कोई संभावना भी नहीं है भारत की। रवि की गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, लेग साइड की दिशा में अंकुर के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट, 24 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, मात्र 1 विकेट का खात्मा हुआ है दीपक के रूप में। सामने है बल्लेबाज सचिन, गेंदबाज हैं राशिद, सामना कर रहे हैं सचिन,
धीमे हाथों से खेला है, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, कोई रन नहीं होगा। सचिन दूसरी तरफ है, अंकुर जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है अपने बल्ले से, चार चौके लगा चुके हैं, अभी भी काफी ओवर बाकी हैं। इस बीच लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, खूबसूरत शॉट, सीमा रेखा से बाहर, चार रनों के लिए, तो स्कोर बढ़कर हो गया है 28 रन। इस बार अच्छी गेंद और उसको उसी तरीके से खेला, सम्मान दिया सचिन। मोहम्मद अम्मार और मोहम्मद उमर जहां कहीं भी हो, घर जाए, उनके परिवार वाले उनको ढूंढ रहे हैं। इस बीच खूबसूरत ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पर, कोई रन नहीं होगा। सचिन अभी भी स्ट्राइक पर, गेंदबाज है राशिद, इस बार धीमे हाथों से खेला, लेकिन एक बार फील्ड, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, ओवर हुआ समाप्त। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। एमएस लॉन और अब सामने है धुआंधार बल्लेबाज अंकुर, सामने है बल्लेबाज अंकुर लखमानी, चार चौके लगा चुके हैं, ये लीजिए। वाह भाई वाह, ये फेवरेट शॉट है इनका, देखा था बस गुआ। जब चाहते हैं उसको लेग साइड की दिशा में मोड़ देते हैं। खेला है हवा में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीमा रेखा से बाहर हो गई, चार गेंद चार रनों के लिए। स्कोर बढ़कर हो गया 36 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। एमएस लॉन बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, अंकुर लखमानी, ये लीजिए, ये है अंकुर लखमानी, एक रन बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया। अब सामने है, सामना करेंगे सचिन, गेंदबाज है आसिफ, मोड़ दिया उसको गैप में, गेंद कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी देखी गई है दोनों बल्लेबाजों से, हालांकि बड़ी आसानी के साथ रन हो सकता था, लेकिन मना किया हुआ बल्लेबाज अंकुर लखमानी ने। नतीजा सचिन रन आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। नए बल्लेबाज हैं भरत, नए बल्लेबाज हैं भरत, इन्हीं के नाम से जो है भारत पढ़ाते हैं। भारत ने शॉट खेला, खिलाड़ी तैनात वहां पर, कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 37 रन। बॉल ड्राइव किया है उसको, खतरा है एक बार फिर, लेकिन नहीं, आसानी के साथ वापस अपनी क्रीज पर वापस हो गए बल्लेबाज भरत, ओवर हुआ समाप्त। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन, दो विकेट के खात्मे के बाद। एमएस लॉन टॉस जीता था, नए गेंदबाज है शादाब, सामना करेंगे अंकुर लखमानी, फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अंकुर लखमानी, ड्राइव किया, उड़ा दिया है सीमा रेखा से बाहर, तो विकेट हासिल कर लिया है शादाब ने,
जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे अंकुर लकमा ने एक छोर संभाले रखा था, लेकिन इस बार शादाब का शिकार होकर वापस पवेलियन जाते हुए। अंकुर लखमानी ने 22 रन का योगदान दिया आपने बल्ले से। बैट्समैन नेम दबाने की कोशिश थी, गेंद काफी उछाल था, बीट हुए बल्लेबाज, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक जोश सा भर गया है खिलाड़ियों के बीच में जैसे ही अंकुर आउट हुए हैं, तरोताजा हो गई है टीम। खतरा जरूर था वहां पर, लेकिन एक रन हासिल कर लिया, आंखों ही आंखों में एक रन चुराया है दोनों खिलाड़ियों ने, अपना अपना छोर बदला। अब सामने है भरत, सामना करेंगे भरत, गेंदबाज है, बहुत दिया, मिस किया है विकेट कीपर ने और बल्ले से चार रन। फिर से कैसे पड़ा मिला, तो चार रन और चार महत्वपूर्ण रनों का इजाफा हुआ है इस गेंद पर, ये स्कोर बढ़कर हो गया है 42 रन। ड्राइव किया, मिस कर दी गेंद के लाइन को भरत ने, अच्छी गेंदबाजी शादाब की, मात्र 5 रन दिए हैं अपने इस ओवर में। बॉल कर दिया, क्लीन बॉल, मजबूर किया था गेंद को खेलने पर, मजबूर किया था बल्लेबाज को खेलने पर। और ये नन्हे के बल्ले से नन्हा मुन्ना शॉट 4 रनों के लिए, गर्त में ढकेल दिया उस गेंद को, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं वहां पर। एक बार फिर तौर पर है, खतरा जरूर है, कार्य हिट हुई है, अंपायर तारीख का इशारा, बेहतरीन थ्रो, बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, दोनों आदर्श बल्लेबाज, पैरों से खेला है, गेंद सी मारे का समय हो गई, अंपायर तारीख का इशारा, लेग बाई के रूप में 4 रन। दर्शकों से गुजारिश है कि अगर गेंद आपकी तरफ आए तो थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए ताकि अंपायर को फैसला देने में आसानी हो। इतना क्राउड है कि किसी को कहीं मना नहीं किया जा सकता, लेकिन गेंद अगर आपकी जानी आए तो थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए। ये रसूलपुर की सम्मानित जनता है, रसूलपुर के जनता के दिलों में क्रिकेट बसता है, उसका जीता और जागता सबूत है आज का ये क्राउड। कट करने का प्रयास आदर्श का, लेकिन चूक गए, गेंद की लाइन को मिस किया, कोई रन नहीं। धीमे हाथों से खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पर, 4 रन बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिए हैं आदर्श ने, तो 4 महत्वपूर्ण रनों का इजाफा, 54 रन बन चुके हैं एमएस लॉन के, और 7वां ओवर जारी है राशिद के रूप में। बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट, जबरदस्त शॉट, तालियों से स्वागत किया इस शॉट का दर्शकों ने, सम्मान, वाह भाई वाह। इस बार काफी उछाल भरी गेंद, लेकिन एक रन बड़ी आसानी के साथ हासिल किया है बल्ले से। लाइव नहीं चल रहा, देख सकता है, इस बार लेग साइड की दिशा में खेल दिया है बल्ले से, सीमा रेखा से बाहर हुई गेंद, 4 रनों के लिए।
अब रोकना बहुत ही मुश्किल है। मन बना लिया है दोनों बल्लेबाजों ने कि बची हुई गेंदों पर प्रहार ही करना है और उसका जीता जागता सबूत देखा है पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जो दंदराती हुई सीमा रेखा से बाहर भेजी थी आदर्श ने। ये लीजिए एक और चौका, गोली की तरह से निकलता हुआ एक चोट सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। ये है आदर्श, नई जान फूंक दी है इस मैच में आदर्श ने अपने बल्ले से। मोड़ने का प्रयास, अच्छी गेंद, हालांकि वाइड की अपील जरूर की थी बल्लेबाज ने, लेकिन ये लीजिए। लेकिन इस बार मिस कर देंगे, काफी ऊंचा खेल दिया शॉट को सीमा रेखा से बाहर छह रनों के लिए। तो आदर्श जो काफी देर से काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चार चौके लगाए हैं अपने बल्ले से इन्होंने, बेहतरीन पारी खेली है, अच्छा योगदान रहा है आदर्श का, अपने बल्लेबाज हैं। गोल्ड ग्रीन गोल्ड, तो आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है